आज आपको बता रही हूँ दशहरे के दिन शत्रु विनाश करने का उपाय। यदि आप अपने शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, उसने आपका जीना हराम कर दिया है, तो आप सात कील के इस टोटके से शत्रु बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ उमाश्री, आज बेहद खास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए मित्रों। इसके अलावा अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं, 1000 में एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है, बाद में फिर आपको 2100 रुपये एक सवाल के देने पड़ेंगे। तो बिना देरी किए संपर्क करिए, जो पहले अमाउंट जमा कराएगा उसको पहले जवाब दिया जा रहा है। तो बिना देरी के संपर्क करिए, 23-24 साल का अच्छा खासा अनुभव है, आप जो भी बात पूछेंगे पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाती है, तो कोई टेंशन आप ना पालें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आपको लेनी है लोहे की 7 कील और लेनी है थोड़ी सी चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के छोटे छोटे 7 गोले बना लीजिए। गोले मतलब जैसे छोटी छोटी मठरियाँ बनती हैं, इस तरह के आपको गोले बना देने हैं। वो गोले बना देने के बाद में उसको आपको आँखें, नाक और चेहरे की आकृति दे देनी है। इसके बाद वो जो 7 कीले हैं, एक एक में आपको चुभो देनी है। चुभोते समय अपने शत्रु का नाम आपको लेना है। इसके बाद आपको उन जो मिट्टी से बनाई हुई जो छोटी छोटी सर्किल थे, उनको आपको उसके ऊपर नींबू निचोड़ देना है। नींबू निचोड़ते समय भी आपको अपने शत्रु का मानसिक स्मरण करना है, उसकी कैसी शक्ल है, कैसा आपका शत्रु है, उसको स्मरण करना है। इसके बाद आपको उसको एक काले कपड़े में बांध देना है। काले कपड़े में बांधने के बाद में आपको उसको अपने घर के बाहर लेकर आ जाना है और उस पर आपको अपनी एक बार चप्पल रख देनी है। अपनी चप्पल रख कर उसके बाद में उसको आप किसी चौराहे पर डाल कर आ जाइए। ऐसा करने से शत्रु का शमन होता है, शत्रु आपके आगे सिर उठाना बिल्कुल बंद कर देता है। और दशहरे का जो दिन होता है, विजयादशमी का दिन है, विजय का दिन है, विजय पताका लहराने का दिन है, तो आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें, इसके निमित्त मैंने ये टोटका आपको बताया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि क्षमाशील बने, शत्रु को क्षमा करने से आपका ही मनोबल बढ़ता है। लेकिन शत्रु ने अगर इतना बवाल मचा रखा है कि पानी सिर से ऊपर हो गया है, तो उसको सबक सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा करने से शत्रु का अनिष्ट तो नहीं होगा, लेकिन शत्रु रास्ते पर आ जाएगा और वो आपके लिए जो जो बुरी बुरी क्रियाएँ करता था उसको करना बिल्कुल बंद कर देगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।